दोस्तों, हिंदू स्वाभिमान यात्रा के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के लाडले सांसद और मोदी सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह एक जिले से दूसरे जिले और दूसरे से तीसरे जिले जा रहे हैं। ये क्यों करना पड़ रहा है पहले वो मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि हिंदुओं को जगाने के नाम पर कैसे मुसलमानों को कोसने का काम किया जा रहा है, और वो भी कोई और नहीं कर रहा, संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग कर रहे हैं। अगर हिंदू या फिर मुसलमान या किसी भी धर्म का झंडा उठाकर उत्पात काटने वाले मवाली करते तो मैं समझ भी जाता कि चलिए कोई बात नहीं, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग जब डंके की चोट पर उसी संविधान को कुचलने का काम करें तो बवाल होना तय है, और कुछ ऐसा ही सियासी बवाल बिहार में कटा है। लेकिन पहले बताऊं कि आखिरकार गिरिराज सिंह को हिंदू स्वाभिमान यात्रा क्यों निकालनी पड़ी। वजह ये कि राम मंदिर के निर्माण के नाम पर भी मोदी जी हिंदुओं के ब्रांड एम्बेसडर नहीं बन पाए थे, क्योंकि उन्होंने सनातन परंपरा के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए शंकराचार्यों का अपमान किया था। इस बात को वो समझे नहीं है, बल्कि उल्टा वो हिंदुओं को लेकर नई तरह की रणनीति बनाने लगे हैं। रणनीति ये कि मुसलमानों को कोसो, गंदगी उगलो, हिंदुओं को एकजुट करो, उनका वोट पाओ और सरकार में रहो। इसीलिए बिहार में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव से ठीक पहले फिर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा के नाम पर माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन ये माहौल बनाना बीजेपी के एक सांसद को बड़ा भारी पड़ गया है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। पहले मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान पोस्ट आपको दिखाने जा रहा है एक ऐसी खबर जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि सियासत के लिए बीजेपी क्या कुछ नहीं कर सकती। राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा जिस पर बीजेपी हमेशा वोट मांगती रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कच्चा किसी और ने नहीं बल्कि हिंदुओं ने इसलिए दिया क्योंकि वो समझ गए कि राजनीति अलग चीज है, धर्म अलग चीज है, लेकिन धर्म के आधार पर सत्ता की वोट काटने वाले खेती काटने वाली बीजेपी है, इसीलिए वोट नहीं मिले। अब हिंदुओं को एकजुट करने के लिए मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का काम हो रहा है। पहले बिना देर किए मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कि हो क्या रहा है, पहले बयान सुनिए। कोई बोलता है मुसलमान है, हमको हिंदू करने में क्या करना है? हम सबको कहते हैं इलेक्शन में भी कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा, बेटा बेटी का ब्याह करना होगा, जब बेटा बेटी का ब्याह करना होगा तब जात खोज लीजिएगा, परिवार खोज लीजिएगा, नस्ल खोज लीजिएगा, हड्डी खोज लीजिएगा, खानदान लीजिएगा, जब बेटा बेटी का सम्मान करना है। आज कौन करेगा देश की रक्षा, बताइए इस देश की रक्षा। तो दोस्तों, ये बिहार के बीजेपी के सांसद हैं, इनका नाम है प्रदीप सिंह, अररिया से सांसद हैं। अब इन्होंने इनको सुन लिया कि अररिया में रहना होगा तो हिंदू बनकर रहना होगा। ये ठेका किसने दे दिया भाई, किसने ठेका दिया सोचिए। मैंने कहा ना इनके पास कुछ नहीं, इनको इनके पास क्या है कि अगर शोभा यात्रा निकल रही है, अगर मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम है, तो इनके लिए क्या है, अपने कार्यक्रम में ही गंदी गंदी गालियों वाले गाने बजाना है। इसे ये धर्म के नाम पर मानते हैं, जबकि ये जानते ही नहीं धर्म का माहौल उड़ाना इसे कहते हैं। क्या हिंदू देवी देवताओं के पूजन के दौरान, हमारे घर में भी पूजा होती है, क्या उस दौरान गाली गलौचों का इस्तेमाल करते हुए आरती वारती करनी चाहिए क्या? नहीं ना, लेकिन ये होता है, और ये ऐसा नहीं है कि गुपचुप तरीके से होता है, बकायदा डीजे पे गाजा गाना वाना बजाकर किया जाता है, एक शहर से दूसरे शहर और एक राज्य से दूसरे राज्य में हो रहा है, ये हो रहा है। और यही चीज क्या है कि हिंदुओं को जगाना है तो मुसलमानों को कोसना है, डराना है, धमकाना है। तो संवैधानिक पद पर बैठे हुए बीजेपी के लाडले सांसद अररिया वालों ने कहा कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनकर रहना होगा, और ये किसी और में नहीं बल्कि गिरिराज सिंह, जो अपने अंट शंट बयानों के लिए जाने जाते हैं, उन्हीं के कार्यक्रम के दौरान यानी हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान का। द मुस्लिम ने इस खबर को छापा, क्या लिखा, लोकेशन अररिया बिहार, 21 अक्टूबर, अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। मुसलमानों को खुली चुनौती देते हुए भाजपा सांसद प्रदीप सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान कह रहे हैं कि खुद को हिंदू बोलने में भला कैसी शर्म, मुझे भी नहीं है शर्म, मुझे कोई शर्म नहीं, लेकिन मुसलमान को मुसलमान कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है, वो अपने आप को मुस्लिम कहे, मैं अपने आप को हिंदू कहूंगा। हाँ, भारतीय होने पर मुझे ज्यादा गर्व है और उनको भी होना चाहिए, ये सांसद जी को भी होना चाहिए, लेकिन दरअसल इनकी दिक्कत नहीं है, इन्हें खुद भी देश प्यारा है, इनका राज्य प्यारा है, अपना शहर प्यारा है, अपना धर्म प्यारा है, सब चीज प्यारी है, लेकिन वोट कहां से मिलेंगे, इसीलिए गंदगी फैलाना
कंपलसरी हो जाता है, जरूरी हो जाता है। आगे पढ़िए, इसके आगे में बोलते हैं कि हम तो कहते हैं कि अगर अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा, जब बेटा बेटी की शादी करनी हो तब जात पात खोज लीजिए, लेकिन जब हिंदुओं को एकजुटता की बात हो तो पहले हिंदू बनिए बाद में जाति को ढूंढिए। ये बड़ी बड़ी बातें इन्होंने बोल दी। खैर ये एक तरीके से सीख अपने पार्टी के नेताओं को भी है कि जब जब बात हुई आरक्षण की इसी बिहार से आवाज उठी तो याद है बिहार की जनता को कि कैसे बीजेपी के नेता जश्न मना रहे थे जब तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना की बात कही थी। कौन थे वो लोग जो अदालत में पहुंचकर जातीय जनगणना पर रोक लगाने पहुंचे थे, अंतरिम रोक लगी थी, फिर से कोर्ट ने हरी झंडी दिखाई थी और बिहार में तेजस्वी यादव के प्रयास से जातीय जनगणना हुई थी। जातीय जनगणना मुसलमानों की नहीं हो रही थी, किसकी हो रही थी? हिंदुओं की हो रही थी। लेकिन उन हिंदुओं की जातीय जनगणना को लेकर अड़ंगा कौन लगा रहा था? बीजेपी लगा रही थी। यानी आप ही के तो नेता है जो तू दलित है, ये पिछड़ा है, वो आदिवासी है, अगर ऐसा नहीं है तो क्षत्रियों के खिलाफ क्यों गंदगी उगली थी आप ही की पार्टी के एक बड़े नेता ने, पुरुषोत्तम रूपाला ने, भूल जाते हैं क्या? लेकिन हाँ, इनको ये सारी चीजें याद है। लेकिन हुआ क्या, इसके फौरन बाद ही तेजस्वी यादव मैदान में उतरा है, उन्होंने दीवार बनकर खड़े हो गए और कह दिया कि अगर मुसलमानों के खिलाफ कुछ बोला तो मैं अड़ा रहूंगा। पहले बयान सुन लीजिए क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव कि जिस प्रकार से बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और एनडीए की सरकार है, जिस प्रकार से गिरिराज सिंह द्वारा जो यात्रा जो चलाई जा रही है या भाजपा के अररिया के सांसद ने जो बेहुदा बेतुका नफरत वाली भाषा का इस्तेमाल करते हुए दो समुदायों के बीच दंगा कराने का एक प्रयास और एक साजिश जो है, षड्यंत्र जो है वो चल रहा है। महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं, वो बात केवल कर रहे हैं कि एक भाई को दूसरे भाई से किस प्रकार से लड़ाने का काम किया जाए, हिंदू मुसलमान को जो है किस प्रकार से जो है लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अररिया के सांसद ने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है उसका मैं विरोध करता हूँ, खंडन करता हूँ। और अगर कोई मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। तो तेजस्वी यादव ने ट्वीट भी किया, क्या लिखा, आज भाजपा के सांसद ने बिहार में माहौल बिगाड़ने के लिए भड़काऊ बयान दिया और आज ही उस सांसद को नीतीश कुमार जी ने अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया करा दी। मैं तेजस्वी यादव के इस शब्दावली पर एक चीज और कहना चाहूंगा। दरअसल क्या हुआ कि हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकल रही थी, पहले भागलपुर से शुरू हुई गिरिराज सिंह की और पहुंच गई सीमांचल होते हुए अररिया और सब जगह पहुंच रही है। दरअसल जनता दल यूनाइटेड ने ही सपोर्ट मोदी सरकार को कर रखा है। तो हुआ क्या कि नीतीश कुमार के करीबी एमएलसी हैं खालिद अनवर, उन्होंने हाल ही में गिरिराज सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा कि जो आप माहौल बिहार का खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, बिहार को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। यानी नीतीश कुमार के करीबी खालिद अनवर ने जो कहा उसका असर नीतीश सरकार में दिखना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या उल्टा। हिंदू स्वाभिमान यात्रा में मुसलमानों के खिलाफ बोलने वाले इन सांसद जी को फौरन ही सुरक्षा मुहैया करा दी जाती है। यानी नीतीश कुमार की सरकार, या नीतीश कुमार सीधे सीधे बोल रहा हूं, ये दो तरफा खेल खेल रहा है। आगे क्या, इस देश की मिट्टी में सबकी महक और आजादी में सबका योगदान है। मैं हरेक व्यक्ति को भरोसा दिलाता हूं कि जब तक मेरी सांस है मैं बिहार को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने वाले हर एक व्यक्ति के सामने डटकर खड़ा रहूंगा और मुसलमानों की तरफ बुरी नजर से देखने वालों की ईंट से बजा देंगे। ये सीधे सीधे तेजस्वी यादव ने चुनौती दे डाली है। अब मैं खबर दिखा रहा हूँ, यही आज तक ने खबर छापी, मुसलमानों को किसी ने बुरी नजर से देखा तो ईंट से ईंट बजा दूंगा, तेजस्वी यादव का गिरिराज सिंह पर हमला। कह रहे गिरिराज सिंह पर हमला नहीं था सीधे तौर पर, यह अररिया के सांसद हैं बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह पर था। क्या कहा, नेता प्रतिपक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की यात्रा और अररिया सांसद के बयान को लेकर उन पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा मुसलमान भाइयों के प्रति कोई बुरी नजर से देखने का काम करेगा तो तेजस्वी यादव ईंट से ईंट बजा देगा। तेजस्वी फिलहाल झारखंड में है और जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। मंगलवार को रांची से चतरा यात्रा के बीच वे फेसबुक पर लाइव आए और कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, भले ही मुख्यमंत्री गांधी की बात करें लेकिन वे गोडसे के वंशजों को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिन सांसद के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। ये अपने आप में बताता है कि नीतीश कुमार के एमएलसी जहां खालिद अनवर गिरिराज सिंह का उनकी यात्रा के लिए विरोध करते हैं और उन्हें बीजेपी से निकाल देने की अपील करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस तरह का बयान देने वाले बीजेपी के सांसद को सुरक्षा कोई और नहीं नीतीश कुमार की सरकार मुहैया कराती है। यानी एक तरफ नीतीश कुमार मुसलमानों का वोट तो चाहते हैं लेकिन साथ साथ सत्ता भी छोड़ना नहीं चाहते, यही एक वजह है कि बीच में फंसे हुए
है नीतीश कुमार कभी इधर कभी उधर वाला खेल कर रहे हैं, लेकिन उनका ये खेल दोस्तों खोलकर सामने आ चुका है। नमस्कार।